को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो मकान जो है बिकाऊ पे है। तो कोई भी उस घर में ना जाए, ठीक है, उस घर में आप किराएदार रह रहे हैं, मेघा का कोई भी नहीं है। बाकी हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते अच्छा हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस दो जोकर है मेरे संग, देख ले रोड पे घूम रहे। मम्मी ने कही चलो घर से लेकर, बहुत देर आए झाड़ू पोछा कत्ती ने। तो गाइस हम लोग इधर जा रहे हैं, अभी हार्डवेयर की दुकान में कुछ सामान लेना है, तो हम बताएंगे हम सामान क्यों ले रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग संडे को मिलने आए, क्या मोटा है पित्ते पे कहा, आप ही संजना दीदी हो और इतना, क्योंकि और दिन मैं ऐसे घूमती रहती हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ संडे को आइए, रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है। चलते दिखाता आपको, हमने सामान ले लिया है। कहाँ सामान, जरा पैसे जाए थे कितने उड़ोगे पगला। अच्छा हमने आइसक्रीम लई लई नहीं है मिले लई, तो पहले जमाने में चलती थी जो गरी वाली, वो बहुत अच्छी होती है, दूध और गरी की होती है, क्या नहीं। लेकिन रीको मान लो कुछ ले होगा वाइस। मैं आ चुकी हूँ घर पे और मैंने अपनी सारी सीनरी उतार ली, आप समझ ही गए होंगे कि क्या है क्या है क्या नहीं। ऐसा है कि यहाँ पे लोग इतने सारे मिलने आते हैं, यहाँ पे इस घर में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो इस वजह से हम अब दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा पीछे प्लॉट भी है, तो वो भी बनेगा, इस वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई आगे इस पीछे जाने में। सामने सामने प्लॉट के सामने ही मकान ले लिया है, तो वहीं रहेंगे, तो जिससे कि जल्दी प्लॉट ही बन जाएगा अपना, ठीक है। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि रास्ता क्या है, कैसे। बहुत से लोग ऑडियंस मेरी अभी आई तो भटक जाए संडे वाले ना, बहुत से लोग सबको यही बताए मेरा मकान जाइए जाके मारे, ठीक है। चले नए घर में, कल चलेंगे, अभी तो शिफ्टिंग कर रहे हैं बस। गाइस हम इस घर में आ चुके हैं, अभी मैंने आपको दिखाई आगे पीछे सब तरीके से दिखाऊंगी। ये सारे फोटो में सबसे पहले फोटो वाला काम करवा लेंगे, फोटो वाला जब काम होता है तब मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी घर जो है प्रॉपर तैयार नहीं है, कुछ टाइम 15 दिन में तैयार हो जाएगा, लेकिन अंदर तैयार है, बाहर वहाँ पर थोड़ा नीचे सिस्टम गड़बड़ है। अरे ऑर्डर लग गया, टाइल बेच जाए। हाँ तो वही चीज़ है। बाकी ये है कि उस घर में आप लोग कोई भी अब ना जाए, क्योंकि वहाँ से हम लोग जो संडे का संडे को पूरा प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। आज थर्सडे है, थर्सडे है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी आपको पूरे दिखाएंगे कि आपको इस घर तक कैसे आना है, तो अभी दिखाऊंगी। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जसवंत नगर के लोग हों, कहीं के भी लोग हों जो मुझे जानते हो, और आप लोग उस मकान को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो मकान जो है बिकाऊ पे है। अब आप उसको बेच के हम दूसरा बनवाएंगे, पीछे जो बन ही रहा है मेरा, और बाकी और दूसरा जो है बनवाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोग उसमें उस आप लोग मिलने आते हैं उस घर में बिकाना है, उस घर में लोग किराएदार हैं, अब हमारे घर कोई नहीं उसमें, ठीक है जी। तो वही हम जब पूरा शिफ्ट हो जाएंगे तब दिखाएंगे आपको, अभी तो हम कुछ दिखाई नहीं रहे, क्योंकि अभी खाली खाली पड़ा हुआ है मकान पीछे पूरा, है कि नहीं, इसलिए। तो वही चीज़, कल मैंने पूरा इतना सफाई की यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा, तो फोटो पहले काम करवा लो, फोटो वाले भैया आ रहे हैं, इसी वाले भैया आ रहे हैं, आपको मैंने बुला रखा है अभी आके सीधा। एक तो आज ईद वाला ना दिक्कत है, तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे यहाँ जैसे बोलते हैं। तो वही बस ये कि आप हम होम टूर बांध देंगे, ज़्यादा कुछ दिखाएंगे नहीं, बाकी दिखे तो सभी चाह ही रहा है। तो अभी जैसे जो लोग आ रहे हैं काम करवाते दिखा दें आपको, ओके। तो कोई भी उस घर में ना जाए, ठीक है, उस घर में आप किराएदार रह रहे हैं, मेघा का कोई भी नहीं है। बाकी वो मकान जो है मेरा, आप लोग आए भी हो तो वो मकान जो है बिकाऊ पे है, ठीक है, जो भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो वो ले सकता है। चलो बहने है नहीं, दीदी वर्मा नहीं गई हैं, हम ना धो के रेडी हो चुके होके सीधे मार्केट चले आए, आपको दिखाने का टाइम नहीं मिला, इतने कपड़े डाले, कपड़े वाई दीदी यही नहीं है क्या, तू दुकान कौन का, समझो नहीं कहाँ बैठ रहा है, अच्छा ईद है, मुसलमान। तो गाइस हम आए थे रॉयल फर्नीचर जो बहुत बुरा सामान नहीं अच्छा है, पहले हमने यहाँ सोफा लिए थे, सोफे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बाकी अब मैं बेड लेने आई, क्योंकि जो बेड मेरे यहाँ पे है, बाप मेरे यहाँ पता सब बेड में सब गिफ्ट भरे हैं, जो मेरे पे आते हैं इन्हें गिफ्ट लेके आते हैं, तो सब कांच को सामान भरा वहाँ में, हमने कहा मुश्किल है, हमने दूसरे बेड लेना पड़े जा चक्कर है, हाँ तभी तो
तो भाई साहब हमने ब्रेड ले लिया, उसके हमें फ़ोन का कवर चढ़वाना था, पर ये ग्लास कह रहे कवर टूट गया था इस वजह से, तो वो भी करवा दिया है भैया, मर गए है ना। अब चलते घर पे, आप समझ गई दिन में आओ बड़ी मुश्किल है यहाँ काम पे, वो इतनी धूप पड़ने लगी है इंसान परेशान ही है जाए बहुत ज़्यादा। गाइस आज मेरे कन्या खाने का नौता है, मैं जा रही हूँ कन्या खाने के लिए। वही तुमसे हमने शुरू पे चुप पह जाने शुरू कही सुबह ही कही थी हम करने हमारा नौ तो कह के लाओ मैं ऐसी आ रही बात थे करने ही है। कल को मेरी शादी जाएगी फिर नहीं करन दे हमने कर लो तो हाँ तू ने कह कर लो जो था तू ने कह कर लो तुम नहीं कर पाओ वही तो हम कह रहे नौ तो खाए बाला दो मिनट हम लोग जा रहे हैं नौ तक खाने के लिए। छोड़ो देखो मोड़ी को पकड़े हैं मोड़ी करी छोड़ो मोड़ी चले जा रही मैडम मैक्स देव देव काजल जी चलो नौ तक खाएं यार सवेरे नौ था तो मैं सोची सवेरे मतलब मैं तो मैं रोटी खाई ना रोटी बनी हुई घर मैंने कि मतलब कि मम्मी ने मेरे लिए बनाई नहीं फिर का बहुत नौ तक मिलो ही नहीं फिर मैं जाए कि अम्मा घर रोटी खाए के आए बज गए अम्मा ने बनाए आलू पराठे सब्जी नहीं बनाई क्या हाँ मठा के आलू फेमस इटावा के। तो गाइस यहाँ पे कन्या खाने में पहुँच चुके थे और यहाँ पूड़ी सब्जी और हलवा बना था, हलवा मैंने पिया और कुछ भी मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आया, मतलब गर्मी थी ना चक्कर खा नहीं रहा था मैं चीज़ें, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मतलब कन्या खा के इतने बड़े हो गए हम लोग नौ तक खाया है और संग जो बांध के रह के आएंगे देखो डंक नहीं सामने से देख अरे गाड़ी आ रही आती हैं साथ में ले और जाती हैं देखो जी काजल जी पट्टी मिली हमें उनको बांध रखा है जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी है ले पसंद हम करें कोई खाए मगर मेरे बदली व्रत का दे दियो खाए ने बहुत बेकार है और बिल्कुल काम वाम करते नहीं आएंगे और इन्हें सवेरे से दिमाग खराब कर रखा है बहुत ज्यादा देखो सही कह रहे कब के परेशान करें दो घंटा नहीं सवेरे के हम परेशान हुए तब से आ रहे तो गाइस इधर मैं लगा रही थी पोछा क्योंकि मशीन चलने को इतनी मट्टी हुई थी बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा तो इधर मैं सफाई कर रही थी क्योंकि बहुत अरे गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पता नहीं क्यों मुझे वैसे कुछ करना घर का काम तो आता नहीं है लेकिन ये है कि मुझे बस ये है साफ़ सफाई बहुत बहुत चाहिए बहुत मैंने सारे अपने प्लेवेट ने यहाँ पर लगवा लिए थे ये ज़रूरी थे इस वजह से और यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी सभी लोग थे मेरे यहाँ ये चीज़ अच्छी है कि थोड़ा सा भी कोई काम हो तो मतलब सारे लोग मिलकर करवा देते हैं और बहुत अच्छे हैं मतलब सारे लोग बहुत अच्छे हैं कोई वो नहीं है कि क्या कहने न्यू मकान है बिल्कुल ये तो अभी थोड़ा इसमें रिपेयर की मतलब ज़रूरत है इस चक्कर में इधर मैं झाड़ू लगा रही थी देख सकते हो आप लोग और तो गाइस मैं आइसक्रीम बेच रही हूँ और कुछ खा रही हूँ बता दूँ मैं खिला दूँगी ठीक है कोई बात नहीं आप लोग मेरी फ्रेंड्स हो इतना मुझे प्यार दे तो मैं आपके आइसक्रीम खिला सकती हूँ वो खुद लाले पर कितने कितने की आइसक्रीम है ये मेरे यहाँ तो आपको मिल जाएंगी 150 तक की है मिल जाएंगी हाँ भैया कितने तक की ना खुद तो QR कोड कर खा रहे हैं तो गाइस इधर हमने तीन आइसक्रीम ले ली झाड़ू पोंछा करने के बाद कितनी मेहनत की है मैंने आज आप सोच नहीं सकते पेमेंट अगर ना 8.5 crore का अरे नाम ही लिख के नहीं आया हम मेरे यहाँ 21 नाम लास्ट नंबर 21 चला आएगा फेमस चल लो यार ये कितने की आइसक्रीम भैया तुम फ्री दोगे तभी तो आइसक्रीम फ्री मिलेगी तुम्हें सामने हमारे लड़के का बैठ रहा सब गए दीदी सब गरीब करवे पे तुले है चलो घर आ गई हूँ मैं ओके ये घर मेरा नहीं रहेगा अभी तो है
भंडारो एगो चालू जी लोग सवेरे से काम करवाइया आए जी आए ब्याह ते पे इंग्लैंड से आए देखो ब्लॉग में और काय काय की सब्जी खाई तुम लोगों ने देखो अब की बार सबको सेट मिलेगा अभी अनसेट में और मतलब वहां से आते दिखा देंगे मतलब कैसे आना है बोर्ड।